हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रश्नावली 16 प्रायिकता। प्रायिकता आप लोगों के नाइन्थ क्लास से चली आ रही है, नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में और जाकर के ट्वेल्थ में भी आएगी, और अगर ट्वेल्थ के बाद कुछ आगे और करते हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड उसमें भी आएगी। तो प्रायिकता तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलती जाएगी, प्रायिकता का एंड नहीं है, चलता रहेगा ये। तो आज की क्लास में हम लोग टेंथ क्लास में जितना भी पढ़े हैं उससे आगे का कुछ पोर्शन पढ़ने वाले हैं। टेंथ क्लास में कुछ मैंने वीडियो बनाए थे तो आपको बताया था कि दो लेक्चर्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए, तो होपफुली आप लोगों ने वो पढ़ लिए होंगे। स्टार्टिंग के जो दो लेक्चर्स हैं टेंथ क्लास के, वो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, उसके बाद आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं पढ़े हैं तो वो जरूर पढ़ लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक डाल दिया जाएगा, और वैसे आप टेंथ क्लास में प्रायिकता सर्च करोगे तो वहां भी आ जाएगा। स्टार्टिंग के जो दो लेक्चर्स बनाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक लेक्चर्स बनाए हैं, वहां से एक बेस अच्छा बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। बाकी आज कुछ नया अपन सीखेंगे ही, स्टार्ट करते हैं। कौन कौन आ गए एक बार देख लेते हैं। ये चैप्टर मैंने इसलिए स्टार्ट किया है 15th की जगह क्योंकि ये कंपैरेटिवली छोटा है, 15वें चैप्टर से कंपैरेटिवली छोटा है, जल्दी हो जाएगा और बच्चों के एग्जाम्स है तो कम से कम इनके ये चैप्टर्स तो पूरा का पूरा, पूरा नहीं तो मैक्सिमम पार्ट इस चैप्टर का तो कवर हो जाए। तो कुछ बच्चों के क्योंकि एग्जाम है 15-16-17 तारीख के आसपास, तो उनके थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा पिछले वाले चैप्टर के कंपैरिजन में ज्यादा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली छोटा है पिछले वाले के मुकाबले। फैब में पूरा खत्म करवा दूंगा मैं, उसके लिए आप टेंशन मत लेना, ठीक है। सो खुशी, शिवु, अनिल, हेमंत, ज्योति, मधुर, निषाद और लक्ष्मी, अंजलि, दीपक, संदीप, रवीना, आदित्य, एम के मनीष, राहुल कुमार, विजेश, वी के सैनी, ऋषिकेश, कनिष्का, हरगुन, रजनीश, निखिल सर का भक्त, अभिषेक, अंजलि और मोहम्मद अरहम, नितिन सॉरी नितिन, शोभित, निखिल सर का स्टूडेंट हर्ष, कौन है शर्मा जी, डेविल शर्मा, और बिट्टू, इंदु, अजय। चलिए शुरू करें बच्चों क्लास आज की। राहुल, मोहित और हर्षवर्धन, ओमपाल, काफ़ी बच्चे आए हैं आज, साक्षी, नैना, शुरू करते हैं आज की क्लास को। जो भी बच्चे नए हैं वो लोग फटाफट से लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन पे आप लोगों को 11th का और 12th का दोनों क्लासेस का कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का और इंग्लिश ग्रामर का भी। तो लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन पे एक तो हर संडे को फ्री टेस्ट भी होता है, कोर्सेज बैचेस भी आप लोगों के बनाए गए हैं, तो इन बैचेस में अगर आपको ज्वाइन होना है 11th या 12th क्लास के बैचेस में, तो 11th या फिर 12th क्लास के बैचेस में ज्वाइन होने के लिए आप लोग इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी, तो फ़ोन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन करके पूरी जानकारी ले लो आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इन बैचेस में। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। सबसे पहले तो भाई प्रोबेबिलिटी में हमें तीन टर्म्स, तीन शब्दों का मतलब हमें पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ पाएंगे कुछ भी, है ना। तो पहला है यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है, यादृच्छिक परीक्षण। प्रोबेबिलिटी में मतलब क्या पढ़ते हैं आप, टेंथ क्लास से बहुत बेसिक वाली प्रोबेबिलिटी तो पढ़ते आए हो, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा काम की चीज़ शुरू कर रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा कम है, बच्चों के एग्जाम्स आ गए हैं। तो काम की चीज़ बस यही है कि भाई प्रोबेबिलिटी आपको पता है किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के होने के संभावनाओं को दर्शाती है प्रायिकता, तो उसी के लिए हम लोग यूज़ लेते हैं। और दुनिया संभावनाओं पे चल रही है, मौसम के हिसाब से 3 दिन बाद, मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन बाद बारिश होने की संभावना है, तो संभावना मतलब हर जगह चलती है, पूरे डेली लाइफ में हम लोग बहुत जगह यूज लेते हैं, हमें याद भी नहीं है कि कहाँ कहाँ यूज ले लेते हैं हम लोग संभावना को। तो जहाँ जहाँ संभावना यूज आ जाती है वहाँ वहाँ प्रायिकता की इंपॉर्टेंस है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है। बाकी टेंथ क्लास के दो वीडियोज़ मैंने आपको बोली दिए स्टार्टिंग में, आप जरूर देख लेना, उसमें आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करके बताया हुआ है, दो लेक्चर्स में बेसिक ही पढ़ाया हुआ है केवल। उसके आगे अब तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, यादृच्छिक परीक्षण, परिणाम और प्रतिदर्श समष्टि। क्या मतलब होता है इनका, है ना। यादृच्छिक परीक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैं लिख देता हूं एक बार, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट,
ठीक है। परिणाम, परिणाम को अब आप बोलोगे इंग्लिश में तो रिजल्ट बोलते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यार याद नहीं आ रहा मुझे। रिजल्ट बोल देना और तो क्या। और तीसरा है प्रतिदर्श समष्टि, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या मतलब है इनका समझ लेते हैं, फिर अपन सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। अपने को आ जाएंगे क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस बेसिकली इस तरह के होंगे, जो पासा फेंकने वाले, सिक्के उछालने वाले क्वेश्चंस होंगे, वो अपन 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखो यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है, मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट, इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कब बोलते हैं अपन। एक्सपेरिमेंट ये हो गया जैसे कॉइन अपन टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा टेल आएगा नहीं पता हमारे को, या फिर पासा फेंक रहे हैं, पासा फेंकने पर क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार पांच छह संभावनाएं हैं पासा फेंकने के लिए। सिक्का उछालने में दो संभावनाएं आ रही हैं, है ना। ताश के पत्तों में कौन सा पत्ता निकालना है उसके हिसाब से संभावनाएं आएंगी। तो बहुत सारी संभावनाएं इस तरह से बन सकती हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में। तो किस वाले को यादृच्छिक परीक्षण या रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है यदि यह निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। कौन से दो प्रतिबंध, पहला इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो, जैसे कॉइन टॉस किया तो दो संभावित परिणाम है ना, हेड या फिर टेल, चित आएगा या पट आएगा, एक से ज्यादा है यही बोला है इसने, इसके एक से अधिक संभावित परिणाम हो, ऐसा नहीं कि एक ही परिणाम हो उसका, है ना, तो एक से ज्यादा परिणाम हो होने चाहिए उसके। अभी पासे को फेंक रहे हो आप, छह परिणाम आएंगे। दो सिक्कों को एक साथ फेंक रहे हो, चार परिणाम आएंगे। तो एक से ज्यादा अगर परिणाम आ रहे हैं तो इसका मतलब उसको यादृच्छिक परीक्षण कह सकते हैं। साथ में और क्या होना चाहिए, परीक्षण के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव ना हो। जैसे सिक्का उछाला, सिक्का उछाला, सिक्का हाथ में आया ही नहीं अपने ऊपर से नीचे तक, तब तक अपन ये थोड़ी कह सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो रैंडम है एकदम, पता नहीं है अपने को क्या आने वाला है। हमने तो सिक्का उछाला है, अब अपने हाथ में नहीं है क्या आएगा, वो घूम करके जो भी अपने हाथ में आएगा उसके बाद ही, मतलब हाथ पे जब सिक्का गिरेगा उसके बाद पता चलेगा कि भैया क्या आया है, उससे पहले नहीं है पता अपने को, बिल्कुल भी कुछ अंदाजा ही नहीं है कि क्या आने वाला है ना। तो एक परीक्षण को यादृच्छिक परीक्षण कहा जाता है यदि यह निम्नलिखित दो प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है कि इसके एक से अधिक संभावित परिणाम होने चाहिए और परिणाम के पूर्ण होने से पहले परिणाम बताना संभव नहीं होना चाहिए। जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना, ताश के पत्तों, मतलब जितने भी आपने सीखे हुए हैं वो सब यही होते हैं वैसे तो। यादृच्छिक परीक्षण ही होते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, केवल बस अंदाजे के लिए बताया जा रहा है आपको, बाकी क्वेश्चंस में आपका फ्लो वैसे ही बन जाएगा इन जनरली, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परिणाम का मतलब क्या है, परीक्षण के किसी संभावित नतीजे को परिणाम कहा जाता है। जैसे अपन ने एक सिक्के को उछाला या दो सिक्कों को उछाला, और दो सिक्कों को उछाला और दोनों पे ही हेड आ गया, ये एक परिणाम आया दो सिक्कों को उछालने पर। ऐसे और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं भाई, दो सिक्के उछाले गए है ना, और दो सिक्के उछालने के बाद या तो दोनों पे हेड आ सकता है, मान लो दोनों पे हेड आ गया, ये एक परिणाम हो गया, ऐसे कितने और परिणाम हो सकते हैं, ऐसे और परिणाम भी संभव है। जैसे पहले वाले सिक्के पे हेड, दूसरे पे टेल आ जाए, पहले वाले पे टेल, दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए, कितने परिणाम आ सकते हैं दो सिक्कों को उछालने पर, कुल मिलाकर के चार परिणाम आ सकते हैं। ये एक 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 परिणाम को दर्शा रहा है, क्योंकि आएगा तो इनमें से कोई एक ही, ऐसा तो है नहीं कि दो सिक्कों को उछाल दिया हेड हेड भी आ गया, हेड टेल भी आ गया, सिक्के तो दो ही है, तो दो सिक्कों को उछाला तो या तो दोनों पे हेड आ जाएगा या फिर एक पे हेड एक पे टेल आ जाएगा, सही बात है यहां तक, इस तरह से चलेगा मतलब। तो यहां पर दो सिक्कों को उछालने पर जितने भी टोटल, भाई एक एक सिंगल सिंगल को देखें तो ये एक परिणाम है, ये एक परिणाम है, ये एक परिणाम है, ये एक परिणाम है, लेकिन अगर चारों परिणामों को हम लोग एक साथ लिख दें कॉमा लगा लगा करके समुच्चय वाले ब्रैकेट में, अगर इन चारों को लिख दें, जैसे एच एच एक परिणाम है, एक परिणाम है एच टी, एक परिणाम है टी एच और एक परिणाम है टी टी, तो अगर इस तरह के कोई परिणाम आते हैं और इनको इस ब्रैकेट में लिख दिया, इसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस, इस समुच्चय को बोलते हैं सैंपल स्पेस, मतलब प्रतिदर्श समष्टि। जितने भी परिणाम है सबको लिख दिया आपने तो वो प्रतिदर्श समष्टि बन जाते हैं कि टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं
वो सारी की सारी प्रतिदर्श समष्टि में आती है, सैंपल स्पेस में आती है। इसको एस से भी दर्शा सकते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस से एस से शुरू हो रहा है ना, इसलिए एस समुच्चय नाम दे देते हैं इसको बहुत बार। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय है, सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। ये है भैया प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। तो इस तरह का है, तीन हमारे पास टर्म्स हैं, एक तो यादृच्छिक परीक्षण, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, सिक्का उछाल रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, एक बैग पड़ा हुआ है उसमें से गेंद निकाल रहे हैं लाल रंग की नीले रंग की, ये सब कुछ यादृच्छिक परीक्षण है, है ना। परिणाम क्या होता है, जो भी हम परीक्षण कर रहे हैं उससे क्या निकला वो परिणाम है। आपने सिक्का उछाला, हेड आ गया, वो एक परिणाम है। और क्या क्या परिणाम हो सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो जितने भी परिणाम हो सकते हैं सबको मिलाकर के अगर लिख दें तो क्या बन जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा। वो प्रतिदर्श समष्टि की बहुत जरूरत पड़ती है अपने को, भाई अपने को जरूरत पड़ती है ना, टोटल कितने केसेस बन रहे हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि डिवाइड में अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम ही तो प्रतिदर्श समष्टि में आते हैं, तो इसलिए प्रतिदर्श समष्टि तो बहुत जरूरी है। तो मेन यही समझाने का था मेरे को, लेकिन ये सब कनेक्टेड था इसलिए मैंने इन तीनों टर्म्स को लिया है, मेन यही समझाने की टर्म थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और कुछ खास काम नहीं आएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी बेसिक टर्म्स हैं एकदम, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, रोहित कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल भोला, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बिट्टू, चलिए जी समझ आ रहा है यहां तक। रिजल्ट होता है क्या परिणाम का मतलब, हाँ हो सकता है। चलिए जी आउटकम्स, बिल्कुल सही कहा ये सचिन कुमार ने, परिणाम का मतलब होता है इंग्लिश में आउटकम्स, सही याद आ गया। रिजल्ट नहीं होता, प्रोबेबिलिटी में आउटकम बोलते हैं इसको। ठीक है, मधुर क्या कह रहे हैं, सर मेरी मैथ्स की बुक अभी अभी खो गई है। अरे बुक भी खोती है क्या यार कोई, क्या बात करते हो। चलो सो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बात है, समृद्धि खुशी आनंद। चलिए जी ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अच्छा मुझे ये बताओ बबली राठौर, आप फ़ोन कर लेना बेटा, उसमें आपको मैसेज डाला गया है ना कि फ़ोन कर लो, यहाँ मैसेज करने से क्या होगा। आप फ़ोन कर लो, आपको ऐड कर देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, और क्या कह रहा था मैं, हाँ वो सही है, बिल्कुल सही है अवनीश, क्या कह रहा था मैं, हाँ ये बताओ मुझे कि टेंथ क्लास के जो लेक्चर्स मैंने प्रोबेबिलिटी के बनाए थे, और मैंने बोला था 9 से लेकर 12 तक सभी बच्चों को पढ़ना है, तो उसमें से शुरू के 2 लेक्चर्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये बताओ पहले तो मुझे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके बिना आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे आगे के, उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन हैं ये मान के चलो, उतना आएगा बेसिक तब जा करके तो कुछ कर पाओगे आज की क्लास में, वरना तो एकदम बस डब्बा गोल ही रहने वाला है आज की क्लास में। निखिल सर का प्यारा शिष्य रोहित, बेटा फोन कर लेना यार, क्यों चिंता करते हो, फोन कर लिया करो, कुछ भी दिक्कत आए तो मैं चीख चीख करके क्लास के शुरू में बोलता हूँ, कोई दिक्कत आए फोन करो, ये 2 नंबर हैं, फोन कर लो, है ना, यहाँ मत पूछो, यहाँ सब कुछ नहीं बता सकता मैं। तो जिसने नहीं पढ़े हैं उसका तो क्या ही उपाय कहूँ मैं अब। एक बार देखा हो ना किसी का तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिलहाल, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे देखो, उदाहरण नंबर 1 कहाँ गया जीवन में यार, उदाहरण नंबर 1 गायब ही हो गया, चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ मिल जाए तो अच्छी बात है। उदाहरण नंबर 1 कहाँ चला गया भैया, एक मिनट रुकना है यार बच्चों,
ये रहा उदाहरण नंबर एक, शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि दो सिक्कों, एक एक रुपए का है, दूसरा 2 रुपए का मान लो मिस प्रिंट को एक बार उछाला गया है, प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, अभी अभी किया मैंने ये काम, तो दो सिक्कों को एक बार उछालोगे तो क्या क्या आने की संभावना है? या तो दोनों पे हेड आ जाएगा, या फिर एक पे हेड एक पे टेल आएगा, या फिर एक पे टेल एक पे हेड आएगा, या फिर दोनों पे टेल आ जाएगा। भाई एक एक रुपए का, एक 2 रुपए का है, 1 रुपए वाले सिक्के 2 रुपए वाले, दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए। 1 रुपए वाले पे हेड आए, 2 रुपए वाले पे टेल आए, 1 रुपए वाले पे टेल आए, 2 रुपए वाले पे हेड आ जाए, दोनों पे ही टेल आ जाए। 4 संभावनाएं हैं, यही हमारी प्रतिदर्श समष्टि हो गई। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे प्रश्नावली 16.1 में से। तो 16.1 छोटी प्रश्नावली है, बेसिक प्रश्नावली है, आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, फटाफट फटाफट आंसर इनके आ जाएंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग देखते रहो, कहीं दिक्कत आए तो पूछ लेना। जो जो संभावित परिणाम है केवल अपने को वो बताना है, प्रायिकता बतानी नहीं है इसमें। सारे क्वेश्चन सिर्फ प्रतिदर्श समष्टि के हैं, सारे क्वेश्चन सिर्फ एस से रिलेटेड हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? तो मैं आगे बढ़ रहा हूं और नेक्स्ट वाले की बात करता हूं। सेकंड नंबर है, पासों के जोड़ों जिनमें एक लाल रंग का है दूसरे नीले रंग का है, बहुत अच्छी बात है, उसको एक बार फेंकने के परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या भी ज्ञात कीजिए, वो तो प्रतिदर्श समष्टि पता चल जाएगी तो अवयवों की संख्या तो पता चल ही जाएगी। तो भैया दो पासे हैं, पासों के जोड़े, जोड़े का मतलब क्या होता है? दो, अकेले पासे का थोड़ी कोई जोड़ा होता है, दो पासों का ही होगा जोड़ा। तो दो पासों का जोड़ा है, उनको उछाला, कितने केसेस बनते हैं दो पासों को उछालने पर? 36 परिणाम बनते हैं, ये मैंने बना के भी बताया है। कौन कौन से बनते हैं? पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 1 आ जाए, पहले पासे पे 1, दूसरे वाले पे 2 आ जाए, पहले पासे पे 1, दूसरे वाले पे 3 आ जाए, 1, 4, 1, 5, 1, 6, पहले वाले पासे पे 2 भी आ सकता है, दूसरे पे 1 आ जाए, इस तरह के भी केसेस बन सकते हैं, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6, ये हमारा एस का वैल्यू आ रहा है फिलहाल के लिए। ये हमारे एस के मान हैं पूरे के पूरे, जो भी हैं 36 केसेस बनते हैं, पता है आप लोगों को। तो कुल परिणाम आप लिख सकते हो कितने बन रहे हैं हमारे पास, 36 बन रहे हैं, और ये समुच्चय के अंदर हमने लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों? क्लियर है सभी बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? 2 की घात 6 केसेस बनते हैं, लिखने में थोड़ा सा लंबा जाता है लेकिन ठीक है, जो भी है। थर्ड नंबर देखो इसका, थर्ड उदाहरण। अब यहां से जो उदाहरण है थोड़ा सा ध्यान से देखने पड़ेंगे, सिस्टमेटिक करने पड़ेंगे, शांति से सुनना है आप लोगों को, अच्छे उदाहरण है ना, कुछ नया है इसलिए शांति से सुनना पड़ेगा कि कैसे करना है। ये उदाहरण अगर आप अच्छे से कर लोगे तो फिर क्वेश्चंस आपको आराम से आएंगे, नहीं तो क्वेश्चंस में फंसोगे फिर, तो इसलिए शांति से सुनना है सभी बच्चों को। हाँ आएगा अभी अनंत परिणाम, अभी ने आएगा अभी। निम्नलिखित प्रत्येक परीक्षण के लिए उपयुक्त प्रतिदर्श समष्टि का उल्लेख कीजिए। फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हैं उदाहरण नंबर 3 के, दोनों में हमें प्रतिदर्श समष्टि बताना है। फर्स्ट पार्ट हमारे को दे रखा है, एक बालक की जेब में एक 1 रुपए, एक 2 रुपए, एक 5 रुपए के सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, एक तो 1 रुपए का है, एक है 2 रुपए का और एक है 5 रुपए का सिक्का। वह अपनी जेब से एक के बाद एक 2 सिक्के निकालता है, ठीक है? जो 1 रुपए का सिक्का है वो, उसको मैं क्या नाम दूं? उसको ए नाम दे देता हूं। जो 2 रुपए का सिक्का है उसको मैं नाम दे देता हूं बी, और जो 3 रुपए का सिक्का है उसको मैं नाम दे देता हूं सी। नाम देने से काम बनेगा क्या? हाँ बनेगा ना, ठीक है। 3 हमारे पास टोटल सिक्के हैं, कुल 3 सिक्के हैं हमारे पास में, ठीक है?
हमें हमारे पॉकेट में रखे हुए हैं 3 सिक्के, 3 सिक्के रखे हुए हैं, अपन ने हाथ डाला और 2 सिक्के निकाले। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है कि 3 सिक्के हमारे पास हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का। हमने 3 रुपए का नहीं है, 5 रुपए का है भाई, है ना, अपने जेब में हाथ डाला और 2 सिक्के निकाले, कोई भी 2 सिक्के। अब कौन कौन से 2 सिक्के निकालने संभव हैं, कौन कौन से 2 सिक्के आ सकते हैं अपने पास में, ये है इस क्वेश्चन में। तो कौन कौन से 2 सिक्के आ सकते हैं, सोच के देखो आप क्या क्या निकाल सकते हो आप। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, हाँ अरे ऐसे ही लिखना है यार, ये छोटे क्वेश्चन है बच्चों, बड़े क्वेश्चंस नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा आप लोगों को, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा बड़े हैं ही नहीं। 1 मिनट यार, है ना, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो ABC नाम दे दिया, अब शुरू कर लेते हैं हम लोग काम। लिखने की ज्यादा टेंशन मत लो, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप लोगों के, तो इसी तरह से लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक एक नंबर के क्वेश्चन में एक दो लाइन ही लिखनी होती है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं, बल्कि फर्स्ट पार्ट जो है वो कर रहे हैं। तो या तो वो देखो, 2 सिक्के उठाने हैं, पहला ए उठा लिया, दूसरा बी उठा लिया, मान लो ए और बी उठा लिया, ए और सी भी उठा सकता है, बी और सी भी उठा सकता है, और इससे अच्छा है आप इसको ऐसे करो, या तो वो ए भी उठा सकता है, बी ए भी उठा सकता है ना, ए सी उठा सकता है, सी ए भी उठा सकता है, बी सी उठा सकता है, सी बी भी उठा सकता है। कुल मिलाकर के 6 संभावित परिणाम आएंगे। कौन कौन से? 1 रुपए और 2 रुपए का सिक्का आ जाए, मतलब 1 रुपए का उठाया, 2 रुपए का उठाया, 2 सिक्के उठाने, 1 रुपए का उठाया, 2 रुपए का उठा दिया, या फिर 2 रुपए का उठाया, 1 रुपए का उठा दिया, पहले कौन सा उठाया बाद में कौन सा उठाया ये भी मैटर करेगा ना। तो 2 सिक्के उछालने, या तो ए और बी ले लिया या बी और ए ले लिया, या तो ए और सी उठा लिया या फिर सी और ए उठा लिया, या फिर बी और सी उठा लिया या फिर सी और बी उठा लिया, यही 6 केसेस बन सकते हैं, और कोई केस बन ही नहीं सकते। अगर 2 सिक्के उछाने हैं तो, 3 सिक्के उठाने हैं तो बात अलग है ना, 2 सिक्कों में यही केस बन सकते हैं। अगर एक ही सिक्का उठाना होता तो या तो ए आ जाता, या तो बी आ जाता, या तो सी आ जाता, एक ही सिक्के की बात होती तो। आगे सेकंड, सेकंड में इसने बोला कि एक व्यक्ति किसी व्यस्त राजमार्ग पर एक वर्ष में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या लिखता है। तो दुर्घटनाओं की संख्या हमें लिखनी है, एक राजमार्ग है, एक हाईवे है, व्यस्त राजमार्ग है मतलब इसमें ट्रैफिक रहता है, काफी अच्छा ट्रैफिक रहता है, ऐसा कुछ हाईवे है। ऐसे हाईवे में एक वर्ष में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या की लिस्ट बनानी है अपने को, वही हमारी प्रतिदर्श समष्टि है। तो हो सकता है एक वर्ष में कोई दुर्घटना ना हो तो सकता है ना, ऐसा बहुत कम चांसेज होते हैं ऐसे कि हाईवे पे कोई एक्सीडेंट ही ना हो पूरे साल भर ही, ऐसा बहुत कम चांस है, लेकिन है तो सही। हो सकता है एक भी दुर्घटना ना हो, दुर्घटनाओं की संख्या लिख रहा हूं मैं, हो सकता है एक दुर्घटना हो सकता है दो दुर्घटनाएं हो सकता है 3 दुर्घटनाएं हो सकता है 4 दुर्घटनाएं हो, ऐसे बढ़ते 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 अपने को अंदाजा ही नहीं है कि कितनी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो इसको तो डॉट 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 करके खुला छोड़ना पड़ेगा कि इसका नहीं पता एंड कहाँ तक जाएगा। तो इस तरह के भी होती हैं कुछ कुछ केसेस जिसमें एंड नहीं पता अपने को कितना तक जाएगा, और इस तरह से उसको लिखा जाता है। ठीक है, ये थर्ड वाला उदाहरण है, थोड़ा सा अलग सा यूनिक सा एग्जाम्पल था, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। प्रीति, चलो बहुत ही अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। शोभित, हाँ भाषा कुछ नहीं लिखनी यार, मस्त रहो तुम तो। अनंत वाला है ये, अनंत दुर्घटनाएं हो सकती हैं। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया आकाश, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एम के मनीष फोन कर लेना, वो ही बताएंगे आपको ये सब जानकारियां। उदाहरण नंबर 4 देखो, उदाहरण नंबर 4 है, एक सिक्का उछाला जाता है, यदि उस पर चित्र प्रकट हो तो हम एक थैली जिसमें 3 नीली एवं 4 सफेद गेंद हैं में से एक गेंद निकालते हैं। एक सिक्का उछाला,
एक सिक्का उछाला, है ना, एक सिक्का उछालने पे या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। अगर हेड आ गया, हेड आ गया तो एक थैली है जिसमें तीन तो नीली गेंदे हैं और चार सफेद गेंदे हैं, उसमें से एक गेंद निकालते हैं, यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है तो एक पासा फेंकते हैं। पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बन सकता है ये, अगर चित आता है तो एक पासा फेंकेंगे, पासा फेंक देंगे अगर चित आ जाएगा तो, सॉरी पट आ जाएगा तो, और चित आ गया तो तीन नीली और चार सफेद वाली एक बैग है अपने पास जिसमें तीन नीली और चार सफेद गेंद रखी हुई है, उसमें से कोई एक गेंद निकालेंगे, यही है, उनमें से एक गेंद निकालते हैं, कोई सी भी एक रैंडम गेंद निकालते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे दिखाएं प्रतिदर्श समष्टि के रूप में, है ना। पहली बात तो तीन नीली गेंदे हैं, नीली को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू, तो इसको मैं तीन बॉलों को B1, B2 और B3 नाम दे देता हूँ, तीन अलग अलग गेंद हैं, B1, B2, B3 नाम दे देता हूं मैं एक बार इनको। चार सफेद गेंद हैं, इसको सफेद मतलब व्हाइट, तो W1, W2, W3 और W4 नाम दे देता हूं इसको मैं, ठीक है, ये चार सफेद गेंदों के नाम हो गए। तो क्या क्या संभावनाएं हैं सुनना ध्यान से भाई, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन अगर हेड आ गया तो फिर क्या संभावना हेड आ गया तो हो सकता है उसके साथ में फिर B1 बॉल उठाओ आप, या फिर आप B2 बॉल उठा लो, या फिर आप B3 बॉल उठा लो, तीन नीली गेंदे हैं, कोई सी भी एक गेंद उठाओगे, तो हेड आ गया तो उसके साथ हो सकता है B1 गेंद उठाओ, हेड आ गया तो हो सकता है B2 गेंद उठाओ, या फिर हेड के साथ B3 गेंद उठा लो, या फिर हेड के साथ में W1 बॉल उठा लो, या फिर हेड आने के साथ में W2 बॉल उठा ली आपने, हेड आने के साथ W3 बॉल उठा ली, और हेड आने के साथ W4 बॉल उठा ली। ऐसे ही हेड का काम खत्म, टेल आ गया, मान लो हेड के केस में या तो B1, B2, B3 बॉल उठाओगे, या फिर W1, W2, W3, W4, सात केस बन सकते हैं। टेल आ गया तो टेल आने के साथ में या तो वन आएगा, क्योंकि टेल आते ही पासा भी फेंकोगे, तो टेल आ गया तो साथ में वन आ सकता है, टेल के साथ में टू आ सकता है, टेल के साथ में थ्री आ सकता है, टेल के साथ में फोर आ सकता है, टेल के साथ में फाइव आ सकता है, और टेल के साथ में सिक्स आ सकता है। ये संभावित परिणाम है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 संभावित परिणाम बन सकते हैं, इसको इस तरह से दर्शाया गया है। कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे 16.1 प्रश्नावली में, जिसमें आपको ये दर्शाना होगा कि कैसे इसकी प्रतिदर्श समष्टि आप लिख पा रहे हो, ये इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। क्लियर है शिवम? नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5 पे आते हैं। एक ऐसे परीक्षण पर विचार कीजिए जिसमें एक सिक्के को बार बार तब तक उछालते रहते हैं जब तक उस पर चित्त प्रकट न हो जाए, इसकी प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए। देखो बहुत सिंपल सा है, क्या सिचुएशन है, आपको सिक्के को उछालना है, उछालना है, और गेम चल रहा है, मान लो सिक्का उछाला, क्या आया नोट किया, उछाला क्या आया नोट किया, कब तक उछालना है, मतलब आपको तब तक उछालना है जब तक उस पर चित्त प्रकट ना हो जाए, जब तक उस पर हेड ना आ जाए। आपने उछाला और हेड आ गया, गेम ओवर, काम खत्म। तो हो सकता है पहली बार में ही हेड आ जाए, काम वहीं पे खत्म हो जाए, या फिर क्या हो सकता है, आपने उछाला, टेल आ गया, टेल से तो अपने को कोई खास मतलब नहीं, फिर से उछाला, अब हेड आ गया दूसरी बार में, हो सकता है ऐसा, तो ऐसा हो सकता है कि पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, सिक्का उछाला टेल आ गया, सिक्का उछाला टेल आ गया, फिर सिक्का उछाला और अब हेड आ गया, तीसरी बार में हेड आ जाए, पहली बार में टेल आए, दूसरी बार में टेल आए, तीसरी बार में हेड आ जाए, ये भी हो सकता है, या फिर पहली बार में भी उछालने पे टेल आए, दूसरी बार में भी टेल ही आ रहा हो, तीसरी बार में भी टेल ही आ रहा है, चौथी बार में हेड आए, ऐसे बढ़ते 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 पांचवी बार में हेड आए, छठी बार में हेड आए, संभावनाएं तो है ही ना। आपने सिक्के को उछाला, पहली बार में हेड आ गया, सिक्के को उछाला पहली बार में नहीं आया, दूसरी बार में हेड आया, सिक्के को उछाला पहली बार में भी नहीं आया, दूसरी बार में भी नहीं आया, तीसरी बार में आया, सिक्के को उछाला पहली दूसरी तीसरी बार में नहीं आया, चौथी बार में हेड आया, इस तरह की संभावनाएं चल रही हैं। तो ये सारे जो भी बन रहे हैं इसको आप क्या कह सकते हो, एस कह सकते हो, प्रतिदर्श समष्टि कह सकते हो इस पर्टिकुलर केस के लिए,
ठीक है। चलो इनफाइनाइट सैंपल स्पेस बनेगा इसका, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस बनेगा, जैसे पीछे एक क्वेश्चन में बना था ना, इसमें इनफाइनाइट सैंपल स्पेस बन रहा है इसका। अनंत अवयव है प्रतिदर्श समष्टि में, तो इसमें अनंत अवयव है प्रतिदर्श समष्टि में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5 तक ही थे, 5 ही थे, अब हम प्रश्नावली 16.1 पर आ जाते हैं, उसका पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 7 में प्रत्येक में निर्दिष्ट परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अपने को सीधा प्रतिदर्श समष्टि बताना है, शांति से और कुछ दिमाग नहीं लगाना। इसने बोला है 1 सिक्के को 3 बार उछाला गया है, 3 बार उछालने पे क्या क्या बनता है, अपन ने ये लिखा हुआ है। 3 बार उछालने पे हम ऐसे लिखते हैं, वैसे जनरली कैसे बनाया था अपन ने, एच 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 एच, 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, इस तरह से। तो ये कितने केसेस हो गए, 8 केसेस हो गए। हालांकि हम इनको लिखते हैं कॉमा लगा लगा करके साइड में, ऐसे लिख लिया, उसके बाद इसको और ऐसे लिख लिया, उसके बाद इसको और ऐसे लिख लिया, उसके बाद इसको और ऐसे लिख लिया, यूं लिख लिया, कॉमा लगा लगा करके लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, है ना, सिंपल सी बात है। और उसके बाद में इसको भी यहाँ पर लिख लिया और इसको लास्ट में यहाँ पर लिख लिया, और ये हमारा फाइनल प्रतिदर्श समष्टि बन गया। कॉमा लगा लगा करके हमने लिख दिया और ये हमारा प्रतिदर्श समष्टि बन गया। ये हमारा ऐसे ऐसे करना था क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कुछ है ही नहीं इस वाले क्वेश्चन में। सेकंड नंबर पे आते हैं अपन फटाफट से। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंका गया। मैं नहीं करवा रहा ये ये कर चुके हैं हम, अभी करवाया था। एक पासे को 2 बार कहाँ फेंका है, ये रहा पासे का जोड़ा है, एक लाल रंग का था दूसरा नीले रंग का था, उससे मतलब क्या है, रंग से अपने को 2 पासों में 36 केस बनते हैं, सीधी सी बात है। उदाहरण नंबर 2 में किया है, सेम टू सेम यहाँ पर छाप देना, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, ये उदाहरण 2 की तरह हो गया, सेम टू सेम। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सिक्का 4 बार उछाला गया है, 4 बार में क्या बनेंगे, कितने केस बनेंगे। देखो सिक्के के केस बनते हैं 2 की घात n केसेस बनते हैं कुल मिलाकर के, 2 की घात n मतलब 2 की घात 4 केसेस बनेंगे, मतलब कुल मिलाकर के 16 केसेस बनते हैं, ये है हिसाब किताब, 16 केसेस बनते हैं। 16 केस कैसे बनेंगे, मतलब 8 केस के टाइम क्या करते थे अपन, 8 केस के टाइम 4 बार हेड 4 बार टेल लिखते थे, 16 केस के टाइम आप 8 बार हेड 8 बार टेल लिखोगे। पहले जैसे 8 बार हेड लिखोगे 5 6 7 8, फिर 8 बार ही टेल 6 7 8, ठीक है, 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, ये बना के देख लेना, आपको पैटर्न बता रहा हूं मैं, इससे आपको दिमाग कम लगाना पड़ेगा वरना ढूंढते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे कौन कौन से केसेस बनेंगे। हेड टेल सिंगल सिंगल, तो ये टोटल केसेस कितने हो गए हमारे पास में, 16 केसेस बनते हैं, ये कुल मिलाकर के 16 केसेस बन रहे हैं। इनको कॉमा लगा लगा के लिख देना भले, क्या दिक्कत है, बाकी यही प्रतिदर्श समष्टि है, कॉमा लगा लगा के एक समुच्चय के रूप में लिख दोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे, कर दिया मैंने ब्लॉक। न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं। लिखना बहुत पड़ता है,
बल्कि इसमें तो कम लिखना पड़ रहा है, ये तो वो वाला चैप्टर है जिसमें सीधा आंसर लिखना पड़ता है, मतलब तीन चार लाइनों में आंसर आ जाता है, वरना बाकी चैप्टर्स में तो कितना लंबा जाता है आप लोगों को पता ही है। आकाश, प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ में यूज क्या है? अरे भाई, प्रोबेबिलिटी का तो दिखता है साफ यूज यार, पहली लाइन में बोला था मैंने आज की क्लास में। क्या बात करते हो आप, शुरू के दो लेक्चर देखना, वो जो मैंने 10वीं क्लास में पढ़ाए हैं उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में यूज बताए हैं आपको। ठीक है, 12th के डाउट सॉल्विंग ग्रुप में टेलीग्राम पर कैसे जुड़ेंगे? अरे भाई फोन कर लेना उवनीश, कितनी बार बोलूं मैं आपको, आपने फोन किया है एक बार भी? कन्फ्यूजन हो रहा है तो फोन कर लो ना भाई, यहां पर समझाऊं मैं पूरा प्रोसेस, उससे अच्छा है आप फोन कर लेना सिंपल। तीन चार बार तो बता दिया मैंने अभी आज की क्लास में। 15वीं प्रश्नावली बेटा इसके बाद करवाऊंगा, आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सिक्का उछाला पासा फेंका, ये हिसाब किताब है। सिक्का उछाला गया है और एक पासा फेंका गया है, ठीक है। सिक्का मतलब एक सिक्का अगर उछालते हो आप तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, उसके बाद पासा फेंकोगे तो छह संभावनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कोई आएगा, इसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 में से कोई आएगा, है ना। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आ गया तो भी छह संभावनाएं हैं क्योंकि पासा फेंकेंगे, टेल आ गया तो भी छह संभावनाएं हैं क्योंकि पासा फेंकना है सिक्के के बाद में। तो हेड आने के बाद 1 आ सकता है, हेड के बाद 2 आ सकता है, हेड आने के बाद 3 आ सकता है, हेड आने के बाद 4, हेड के बाद 5, हेड के बाद 6, सेम ऐसे टेल के बाद 1, टेल के बाद 2, टेल के बाद 3 आ सकता है, टेल के बाद 4 आ सकता है, टेल के बाद 5 आ सकता है, टेल के बाद 6 आ सकता है। तो ये कुल मिलाकर के 12 संभावनाएं हैं जो प्रतिदर्श समष्टि मतलब एस के अंदर आ रही है। इस तरह से करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहां तक? फिफ्थ नंबर है, एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्र प्रकट होता है एक पासा फेंका जाता है। एक सिक्का उछाला गया है और केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्र प्रकट होता है एक पासा फेंका जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सिक्का उछाला गया है, सिक्का उछालेंगे तो दो संभावनाएं हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। केवल उस दशा में जब सिक्के पर चित्र प्रकट होता है एक पासा फेंका जाता है, मतलब केवल इस केस में पासा फेंक रहे हैं, मतलब हेड आ गया तो फिर पासा फेंकेंगे, तो 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 आ सकता है, लेकिन अगर टेल आ गया तो कुछ नहीं, बस काम खत्म। तो ये कुल मिलाकर के 7 संभावनाएं हैं। यहां पर साफ साफ मेंशन किया है जब सिक्के पर चित्र प्रकट होता है तो ही अपन एक पासा फेंक रहे हैं, टेल के केस में या पट के केस में नहीं फेंक रहे हैं, इतना बनेगा, देख लो शांति से, ठीक है। ये बना देना एग्जाम में, ये बनाने लायक चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये एग्जाम में बना दो, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले पे आते हैं फटाफट से, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्नावली ज्यादा नहीं है, आज खत्म भी हो जाएगी, 16.1 तो छोटी सी ही है। क्लास 10th का न्यू बैच कल से स्टार्ट होगा, धर्मवीर गुज्जर, 10th का बैच अनाउंस होने वाला है कल, लेंगे लेंगे, संडे को भी ले लेंगे। एक्स कमरे में 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, वाई कमरे में 1 लड़का और 3 लड़कियां हैं, उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए जिसमें पहले एक कमरा चुना जाता है फिर एक बच्चा चुना जाता है, ठीक है। तो 2 कमरे हैं, एक कमरा एक्स है जिसमें 2 लड़के हैं, 2 लड़के 2 लड़कियां, ये है कमरा एक्स, ठीक है, ये कमरा एक्स है। एक कमरा है वाई जिसमें 1 लड़का 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है 3 लड़कियां हैं, ये है कमरा वाई, ठीक है, 2 कमरे हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
दो कमरे हैं, एक्स और वाई, आंख बंद किया, सोचा भाई पहले एक्स चुने या वाई चुने, दो ऑप्शन है ना, या तो आप एक्स चुनोगे या वाई चुनोगे। एक्स चुन लिए तो फिर एक बच्चे को चुनना है, बच्चों में दो लड़के दो लड़कियां हैं, दो लड़कों को क्या बोल सकते हो आप, बॉय वन बॉय टू, बी वन बी टू, दो गर्ल्स हैं जी वन जी टू बोल दो इनको, ऐसे इधर एक लड़का है इसको बी थ्री बोल देते हैं हम लोग, क्योंकि अलग लड़का है, जाहिर सी बात है। ये क्या हुआ भाई? अलग लड़का है इन दो से, ये तीसरा लड़का है तो बी थ्री नाम दे दिया। इन दो लड़कियों से अलग तीन लड़कियां और हैं तो इनको जी वन जी टू और जी थ्री नाम दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो एक्स कमरा चुना गया, उसमें से एक बच्चा बी वन चुन लिया गया, एक्स कमरा चुना गया एक बच्चा बी टू चुन लिया गया, या फिर एक्स कमरा चुनने के बाद एक बच्चा बी थ्री चुना गया, या फिर एक्स कमरा चुनने के बाद डब्लू वन सॉरी जी वन गर्ल वन चुनी गई, या फिर एक्स कमरे के बाद गर्ल टू को चुना गया। सेम ऐसे ही जब वाई कमरा चुना गया तो बी थ्री बॉय चुना गया, मान लो वाई कमरा चुना गया तो जी वन गर्ल चुनी गई, वाई कमरे के बाद में जी टू गर्ल चुनी गई और वाई कमरे के बाद में जी थ्री गर्ल चुनी गई। तो या तो हम एक्स कमरा चुनेंगे, उसके पांच केस बन रहे हैं साफ साफ, या फिर हम वाई कमरा चुनेंगे, उसके चार केस बन रहे हैं साफ साफ। तो टोटल मिला करके 5 + 4 9 संभावित परिणाम यहां पर आ रहे हैं। ये एज इट इज एग्जाम में लिख देना, कोई टेंशन नहीं है, बस ये जो मैं लंबे लंबे ब्रैकेट लगाता हूँ ये नीचे वाले मत लगाना, ये ब्रैकेट मत लगाना, बाकी सब सही है, ये तो लिख सकते हो बॉक्स बॉक्स बना करके, कोई टेंशन नहीं है एग्जाम में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रजापत कह रहा है कि सर आप मेरा SMS सीन करते हो क्या, पता नहीं भाई। नेक्स्ट क्लास कल है, कब है? अभी है, थोड़ी देर बाद है, 12th क्लास की स्टार्ट होगी, 10 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी लगभग, मतलब जैसे ही ये खत्म कर दूंगा मैं, 10 तक के क्वेश्चंस आज करवाऊंगा और जैसे ही खत्म हो जाएंगे 12th क्लास शुरू करेंगे। नेक्स्ट, ये 8 तक के लिखेंगे। एक पासा लाल रंग का, एक सफेद रंग का और एक अन्य पासा नीले रंग का एक थैले में रखे हैं, एक पासा यादृच्छया चुना गया और उसे फेंका गया, पासे का रंग और इसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया है, प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनो। एक पासा तो लाल रंग का है और एक सफेद रंग का है, मतलब दो पासे हैं, और एक अन्य पासा नीले रंग का है, तीन पासे हैं, एक थैले में रखे गए हैं, एक पासा यादृच्छया चुना गया और उसे फेंका गया है, पासे का रंग और इसके ऊपर के फलक पर प्राप्त संख्या को लिखा गया है, प्रतिदर्श समष्टि का वर्णन कीजिए। देखो तीन पासे हैं, या तो लाल रंग का पासा है, पासे तीन है, या तो लाल रंग का है या फिर सफेद रंग का है या फिर नीले रंग का है, तीन पासे हैं अलग अलग। लाल रंग के पासे को R से लिख दिया, सफेद रंग के पासे को W से लिख दिया और नीले रंग के पासे को ब्लू से लिख दिया। ठीक है, अब जो लाल रंग का पासा है जिसको R से लिखा है, उसके 6 संभावित परिणाम आएंगे। सफेद पासे में भी 6 संभावित परिणाम होते हैं और इसमें भी 6 संभावित परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या क्या केसेस बनेंगे? रेड वाला पासे के साथ 1 आ जाए, रेड वाले पासे के साथ 2 आ जाए, रेड वाले पासे के साथ 3, रेड वाले पासे के साथ 4, रेड वाले पासे के साथ 5, रेड वाले के साथ 6, व्हाइट वाले के साथ 1, व्हाइट वाले के साथ 2, व्हाइट वाले के साथ 3 आ जाए, व्हाइट वाले के साथ 4 आ जाए, व्हाइट वाले के साथ 5 आए और व्हाइट वाले के साथ 6 आ जाए, ब्लू वाले के साथ 1 आए, ब्लू वाले के साथ 2 आ जाए, ब्लू वाले के साथ 3 आ जाए, ब्लू वाले के साथ 4 आ जाए, ब्लू वाले के साथ 5 आ जाए या फिर ब्लू वाले के साथ 6 आ जाए। ये हमारा एस आ गया, बस खत्म। कुल मिलाकर के 12 संभावित परिणाम आए, नहीं 18, 6 12 18, कुल मिलाकर के 18 संभावित परिणाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? बहुत इजी एक्सरसाइज है, तो कुछ खास दम वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में गलती हो गई है, क्या गलती हुई है भाई? B1 B2 G1 G2 G3, नहीं B1 B2 B3, अच्छा हाँ तीन लड़के यहाँ पर बोल दिए मैंने, दो ही लड़के थे जबकि, सॉरी ये गड़बड़ हो गई, बात तो सही कही है इस बच्चे ने जिसने भी कही है,
ये एक्स बी थ्री नहीं आएगा, इतना ही था। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बाकी सब ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल सही है हर्षित, सही बात है। एक्स जी थ्री कैसे होगा? जी थ्री तो होगा, बी थ्री नहीं होगा। एक्स जी थ्री नहीं होगा, कहाँ लिखा है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन पे देखो, एक परीक्षण में दो बच्चों वाले परिवारों में से प्रत्येक में लड़के लड़कियों की संख्याओं को लिखा जाता है। दो बच्चों वाले परिवार में प्रत्येक में लड़के और लड़कियों की संख्याओं को लिखा जाता है। यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है, तो प्रतिदा समष्टि क्या होगी? दो बच्चे वाले परिवारों में यदि हमारी रुचि इस बात को जानने में है कि जन्म के क्रम में बच्चा लड़का या लड़की है, तो प्रतिदर समष्टि क्या होगी? तो दो केस हैं, या तो बॉय आ जाए पहले, बॉय ने जन्म लिया फिर गर्ल ने जन्म लिया, या फिर पहले गर्ल ने जन्म लिया और दूसरे केस में बॉय ने जन्म लिया। मतलब दो बच्चे जन्म ले रहे हैं, पहला लड़का दूसरी लड़की हो जाए या फिर पहली लड़की दूसरे लड़का हो जाए, यही तो है ना। ध्यान से पढ़ लो इसको, शांति से पढ़ लो, क्या कह रहा है ये, शांति से पढ़ो इसको। दो ही संभावित परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं लड़के और लड़की के हिसाब से। कुछ दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट से। सही है क्या? तीसरा प्रश्न भी गलत है ये भी गलत है वैसे तो देखो तीसरा कौन सा गलत हो गया यार, चलो देखते हैं उसको। ये देख लो पहले भाई, जन्म के क्रम में लड़का लड़का है लड़की है, तो प्रतिदा समष्टि क्या होगी ये अपने को बताना है। मतलब क्या क्या संभावना हो सकती है? या तो हो सकता है पहले लड़के ने जन्म ले लिया, फिर से लड़के ने जन्म ले लिया, या फिर हो सकता है पहले लड़के ने जन्म ले लिया फिर सेकेंड लड़की ने जन्म लिया। हो सकता है पहले लड़की ने जन्म लिया हो फिर लड़के ने जन्म लिया हो, या फिर हो सकता है दोनों बार लड़कियों ने ही जन्म लिया हो घर में। तो चार संभावित परिणाम हो सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में ये आएगा। सेकंड इसने बोला यदि हमारी रुचि किसी परिवार में लड़कियों की संख्या जानने में है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या क्या संभव है यहां पर? लड़कियों की संख्या या एक भी लड़की नहीं है, एक लड़की है, दो लड़कियां हैं, ठीक है दो लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या हमारे को या तो जीरो मिलेगी लड़कियों की संख्या, या एक लड़कियों की संख्या हो सकती है, या फिर दो हो सकती है लड़कियों की संख्या। बस या तो एक भी लड़कियों की संख्या नहीं होगी, संभव है ऐसा दोनों लड़के हो जाएं तो, या फिर एक लड़कियों की संख्या हो सकती है इन दोनों केसेस में, या फिर दो लड़कियों की संख्या हो सकती है परिवार में दोनों लड़कियां हो जाएं तो। तो ये तीन संभावित परिणाम आ सकते हैं लड़कियों की संख्या पे, अपने को यहां पर केसेस बनाने थे कितने केसेस बन सकते हैं। ठीक है चलिए जी, क्लियर है यहां तक? कोई समस्या है क्या अभी तक? चलो तो कितने क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली में, मैं एक बार देख लेता हूँ। बुक मेरे सामने इधर रखी हुई थी कहीं, तो इसमें 16 क्वेश्चंस हैं, 8 अपन ने आज कर लिए हैं, बाकी के 8 आप एक बार घर पे ट्राई करना, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और नई वाली प्रश्नावली का बेसिक भी कर लेंगे, क्योंकि ये 8 करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इन 8 को करने में मुश्किल से मान के चलो आधा घंटा भी नहीं लगेगा। बाकी के आधे घंटे में अपन नई वाली मतलब आगे की 16.2 प्रश्नावली का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेंगे, और हो सकेगा तो उसके एग्जाम्पल्स भी कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज यहीं पर करते हैं। बाकी किसी को 12th के बैच में ज्वाइन करना है तो आप 8078696588 पर फोन कर सकते हो। 11th या 12th किसी भी
बैच में ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे लर्न एंड शेयर के इस नंबर पे फोन कर लीजिए, पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी कि किस तरीके से, किस जबरदस्त माहौल में आप लोगों को ट्वेल्थ की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। बाकी होमवर्क में याद से क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 16 तक ट्राई करने हैं सभी बच्चों के लिए, जरूर से ट्राई करने हैं। मैं कल पूछूंगा कितने बच्चों का किया, कितने बच्चों ने नहीं किया। ठीक है ना, चलो, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।